यह कहानी है शहर में रहने वाले महेश की, जो अपने माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसके घर के आर्थिक संतुलन खराब हो गया। उसकी माँ दूसरों के घरों में पूछा और झाड़ू लगाने का काम करती थी। उससे जो भी 4-5 पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाती थी। महेश दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और पार्टी करता रहता था। वो दिन भर घर से बाहर रहकर आसी करता और जुआ खेलता। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उसकी माँ बूढ़ी होती चली गई। उसकी माँ रोज महेश को कहती, बेटा अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ले ले। लेकिन माँ की बातों को वो नजरअंदाज कर देता। एक दिन की बात है कि महेश की माँ का तबीयत काफी ज्यादा खराब होगा। उस दिन वो किसी के घर काम करने नहीं गई। घर में पैसा न होने की वजह से महेश अपनी माँ का इलाज न करा पाया, जिससे उसकी माँ का तबीयत दिनों दिन खराब होने की वजह से वो मर गई। महेश को समझ नहीं आ रहा था क्या करे वो, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेला पड़ गया था। उसके पास रहने के लिए तो घर था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। उसके सभी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह अपनी माँ के बातों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। वह भूख से पागल हो गया और घर में इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी माँ द्वारा लिखी एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, महेश बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक कपड़े में बांध कर बेड के नीचे रख दिया हूँ, तुम उसे लेकर अपना भूख मिटा सकते हो। महेश को अपनी माँ की इस भावना को देखकर उसे रोना आ गया। मन तो था कि वो अपने माँ को गले से लगे, लेकिन अब उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। मोरल, दुनिया में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बेटे को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। इसीलिए दोस्तों, अपने माँ का दिल कभी न दुखाए, क्योंकि वो माँ आपके लिए जान से भी ज्यादा चाहती है।